59 साल के सुपरस्टार को ऑफर हुई इतनी बड़ी डील की। 2000 करोड़ कमाने वाली बाहुबली 2 भी रह गई बहुत पीछे। एम्बर हर्ड से मानहानि का केस जीतने के बाद जॉनी डेप को प्रोडक्शन कंपनी वॉल्ट डिज्नी की ओर से उनके प्रोजेक्ट पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की अगली कड़ी में जैक स्पैरो के किरदार में वापसी का ऑफर दिया गया है। रिपोर्टों की माने तो इसके लिए न केवल प्रोडक्शन कंपनी ने उन्हें माफीनामा भेजा है, बल्कि उन्हें $301 मिलियन यानी लगभग 2535 करोड़ रुपए की डील ऑफर की है। पुष्पा की नई तस्वीरों से नाराज हुए फैंस, अल्लू अर्जुन से कहा ये वड़ा पाव लुक। फैंस के प्यार और नाराजगी के बारे में कुछ दावा नहीं किया जा सकता। कुछ महीने पहले सिनेमाघरों में पुष्पा देखने वाले जो फैंस एक्टर अल्लू अर्जुन को सिर पर बैठाए हुए थे, उनकी स्टाइल की रील्स बना रहे थे, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, आज उन पर बरस रहे हैं। वजह है अल्लू अर्जुन का नया लुक। अर्जुन मुंबई में थे और उनकी टी शर्ट ब्लैक ट्राउजर में तस्वीर इंस्टाग्राम पर आ गई। तस्वीरों में अल्लू अर्जुन का वजन और पेट बढ़ा हुआ लग रहा है। यह लुक देखते ही फैंस भड़क गए और उन्हें खूब ट्रोल किया। अल्लू अर्जुन की तस्वीर देखकर लोगों ने लिखा है कि वह दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हैं। किसी ने लिखा है कि वह बूढ़े हो रहे हैं। एक ने उन्हें मुंबई के प्रसिद्ध वड़ा पाव जैसा बताया। किसी को अल्लू अर्जुन को देखकर श्रीलंकाई गेंदबाज लसित मलिंगा की याद आ गई। हालांकि कई लोगों ने अनुमान लगाया है कि फिल्म पुष्पा की सीक्वल में उनका लुक यही होगा। शमशेरा और ब्रह्मास्त्र के बाद रोम कॉम में नजर आएंगे रणबीर कपूर। शूटिंग हुई पूरी। एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपने नई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से सुर्खियों में हैं। ब्रह्मास्त्र और शमशेरा के बाद अब रणबीर की तीसरी फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खबरों के मुताबिक लव रंजन के निर्देशन में बन रही रणबीर और श्रद्धा स्टारर अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म में दोनों एक्टर के अलावा डिंपल कपाड़िया भी अहम किरदार में नजर आएंगे। पर्दे के पीछे रहने वाले मशहूर फिल्म मेकर बोनी कपूर भी इस फिल्म में एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म के सेट से अब तक रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की नई तस्वीरें शेयर हो चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने खुलासा किया है कि रणबीर कपूर ने शूटिंग पूरी कर ली है और वह वाणी कपूर के साथ अपनी आगामी फिल्म शमशेरा के प्रचार में जुटे हुए हैं। बता दें कि एक्टर पिछले हफ्ते तक श्रद्धा के साथ स्पेन में फिल्म के आखिरी चरण की शूटिंग कर रहे थे। इस अनाम रोम कॉम की फिल्म की शूटिंग जनवरी 2021 में नोएडा से शुरू हुई थी। हालांकि कोविड-19 के कारण बाकी की शूटिंग को स्थगित करना पड़ा था। जुग जुग जियो ने बच्चन पांडे को पीछे छोड़ा। इतवार को कमाई में 20% का इजाफा। निर्माता करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो ने पहले वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस का इम्तिहान सम्मानजनक अंकों के साथ उत्तीर्ण कर लिया है। पहले दिन उम्मीद से कम कमाई करने वाली फिल्म जुग जुग जियो ने शनिवार को शुक्रवार के मुकाबले और फिर रविवार को शनिवार के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर शानदार बढ़त दर्ज की है। पहले वीकेंड पर फिल्म से करीब 30 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद की जा रही थी और शनिवार व रविवार का कलेक्शन मिलाकर फिल्म जुग जुग जियो ने इससे करीब 25% ज़्यादा कमाई की है। साउथ स्टार सामंता प्रभु और नागा चैतन्य की तलाक की खबरों ने सोशल मीडिया पर कुछ सुर्खियां बटोरी, लेकिन इन दोनों के तलाक के कुछ दिन बाद से ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि नागा एक एक्ट्रेस के प्यार में पड़ गए हैं। खबर तो यह भी है कि नागा के साथ उनकी नई लेडी लव को देखा गया था। अब सामंता ने एक्स पति नागा चैतन्य के अफेयर की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। प्रेस ने ऐसी बात कह दी थी जिसे जानकर नागा हैरान रह जाएंगे। रिपोर्टों की मांगे तो सामंता को तलाक देने के बाद नागा चैतन्य एक्ट्रेस शोभिता धुलीपाला के प्यार में पड़ गए हैं। शोभिता धुलीपाला मशहूर एक्ट्रेस हैं और कई वेब सीरीज और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। नागा के साथ शोभिता के अफेयर की खबरें को उस वक्त हवा मिली जब शोभिता को नागा के साथ उनके नए घर में देखा गया।